तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई इस हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसमें आप इंस्टेंट जो है बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उसके अंदर जो है आपको एटीएम की सुविधा मिलेगी, वर्चुअल एटीएम की, और अगर आप उसको चाहें तो उसको मंगा भी सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा जीरो बैलेंस अकाउंट एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो आज की इस वीडियो में यही रहेगा सारा प्रोसेस, हम आपको बताएंगे कि आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक का जो है अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट करने के थ्रू। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका नीचे दिए हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर अपना जो है लिंक से उसको स्टार्ट करना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आपकी एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा रहा है, इसके बेनिफिट्स दिखा रहा है, हाईलाइट दिखा रहा है, जीरो बैलेंस अकाउंट है ये, वर्चुअल है, इंस्टेंट है, ऑनलाइन खुल जाता है, 4% जो इंटरेस्ट देते हैं, और इसमें जो है कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके नीचे देखते हैं और इसमें 100% डिजिटल है, ऑनलाइन आप इसको खोल सकते हैं, ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको नीचे लिंक मिलेगा तो उस पर आपके लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास 18 साल की उम्र होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और वो जो है लिंक होना चाहिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब एप्लीकेशन की तरफ। तो सब जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, आपकी एप्लीकेशन पर आएगा। आने के बाद जो है आपको नीचे क्लिक करना है। जैसे आप नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको डालना है अपना पूरा नाम, फिर डालना है मोबाइल नंबर, फिर ये जो दो टर्म एंड कंडीशन है आपको इन पर ओपन नाउ पर जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपको एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा होगा कि वॉलंटियर आधार कार्ड डी और डू यू एग्री, तो आपको इस पर क्या करना है, इस पर यस कर देना है। यस करने के बाद जो है आपको फिर आगे की ओर बढ़ जाना है। जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे फिर आपको यहाँ पर डालना है अपना पैन कार्ड और यहाँ पर डालना है आधार कार्ड नंबर, फिर उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट कर देना। जैसे आप उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, उसके बाद लेस देन 2 लाख करना है, फिर आपको फादर नेम डाल देना। जैसे आप फादर नेम डालेंगे उसके बाद जो है आपको फिर नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको एक अपना एम पिन सेट कर लेना, जैसे 1 1 2 2 3 3 इस तरीके का, जो भी आप अपना एक पिन सेट करना चाहें वो कर लें। करने के बाद आपको जो है कन्फर्म पर क्लिक करना। जैसे आप कन्फर्मेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाएगा कंप्लीट योर KYC विद योर वीडियो वेरीफिकेशन। आप अपने पास पैन कार्ड रखें और एक ब्लैक पेपर रखें, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ये प्रोसीड टू वेरीफाई, आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इस पर जो है इनका एक प्रोसीड टू वेरीफाई होने के बाद जो है यहाँ पर आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो कॉल में क्या होता है। एक एजेंट आएगा, आपसे कहेगा आप अपना पैन कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, दिखा दीजिए, उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट जो है ओपन जो है इसमें कर देगा। वो देखो इसमें यहाँ पर लिखा है कि कुछ घंटे में ही जो है आपका अकाउंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके नंबर पर अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर पर अकाउंट नंबर और CRN नंबर, इसका IFSC कोड सब आ जाएगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। इतना प्रोसेस करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपका जवाब देंगे, हेल्प करेंगे। तो हम इस तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।